हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम, कैसे आप सब लोग? मजे में एकदम फिट? सो ईगरली वेटिंग फॉर द लेक्चर एनिमल टिश्यूज. इवन आई वॉज ईगरली वेटिंग कि जल्दी से मैं आपके सामने आऊं और आपसे मिलूं, आपका हालचाल पूछूं. कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है जी. स्क्रीन की तरफ नजर मारते हैं. मोहित इज देयर, रूमी, विजय, तेजश्री, आकाश, समांथा, ग्रेट, विप्लव, चंद्रा, गार्गी, ग्रेट, नाइस टू सी यू ऑल. सबको प्यार भरा नमस्कार, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस फॉर अ ब्राइट फ्यूचर. एंड विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड, हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सबको. बहुत बहुत प्यारी प्यारी विशेस, बहुत स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, दैट्स रियली नाइस. आप सबके लिए मेरी गुड विशेस हैं. आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर. चलिए आगे बढ़ते हैं. बस थैंक यू सो मच, बहुत सारी विशेस आ रही हैं, ग्रेट. आप सबका उज्जवल भविष्य हो, इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं. वेल, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी क्विकली टेल यू, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए. जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ उन्हें बता दूं, टेलीग्राम के थ्रू आप डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं टीचर के साथ. ग्रुप में मैसेजेस नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर से आप अपने डाउट्स या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. 111 पीपल, प्लीज कीप शेयरिंग द वीडियो एंड कीप लाइकिंग ऑल्सो. अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड उसके बाद आप प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए यहां पे एरो का निशान जो दिखा रहा है, प्लस का सब्सक्रिप्शन एंड देन दीज कोर्सेज, राइट. मैंने खुद अपने बहुत सारे कोर्सेज शुरू कर दिए हैं और बाकी कंबाइंड टीम के कोर्सेज भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नीट प्लस के नाम से, एस्पायर नीट के नाम से आपको कोर्सेज मिल जाएंगे. सो आप वेबसाइट एक्सप्लोर कीजिए एंड जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ. क्या क्या एडवांटेजेस हैं प्लस के सब्सक्रिप्शन की, ये भी आप इस लिंक में देख सकते हैं, ठीक है. नीट लाइव कोड अगर आप यूज करते हैं तो यू विल गेट डिस्काउंट ऑन दैट. ओके जी, ठीक है. ढेर सारे फूल, ढेर सारे आपने रोजेज एंड व्हाट नॉट, हार्ट्स, बहुत सारी चीजें भेजी हैं, थैंक यू सो मच. इसी तरह आपका जीवन भी खुशबू से महकता हो और आपका भविष्य उज्जवल हो. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. प्यारी सी एक कोट, हर बार हम कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आते हैं. सो टुडे अ रीडर, आज तो आप एक रीडर हैं, पढ़ रहे हैं. टुमारो यू विल बी अ लीडर, भारत का भविष्य आपके हाथ में है. मेडिसिन एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और मैं दुआ करता हूं कि आप इसमें अपना नाम रोशन करें. सो टुडे आर रीडर, टुमारो यू विल बी अ लीडर, वेरी नाइस वर्ड्स. चलिए लेट्स कम टू द लेक्चर. एपिथीलियल टिश्यू, वी आर सपोज टू स्टार्ट विद एपिथीलियम. हम बाकी टिश्यूज कर चुके हैं, हमने टिश्यूज को चार टाइप्स में बांटा था, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस, मस्कुलर. नर्वस हमने पढ़ लिया, मस्कुलर पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू में बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ. लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्लड ग्रुप्स और आरएच फैक्टर भी बताए थे. आप में से जो लोग लास्ट क्लास में जुड़े हुए थे हमारे साथ, कुछ लोग अभी अभी आए हैं, गुड इवनिंग जी, नमस्कार वंस अगेन. 165 पीपल आर लाइव, प्लीज कीप शेयरिंग द वीडियो, कीप स्प्रेडिंग इट, स्प्रेड लव, स्प्रेड पीस एंड स्प्रेड नॉलेज ऑल्सो. सो आज टॉपिक है हमारा एपिथेलियल टिश्यू. एपिथीलियम वर्ड का मतलब होता है इट ग्रोज ऑन अदर टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यू दूसरे टिश्यूज के ऊपर ग्रो करता है, यानी इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है और ऊपर एपिथीलियम है. तो या तो एपिथीलियम आउटर मोस्ट लेयर बनाएगा बॉडी की, जैसे स्किन है हमारी, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम, या फिर किसी भी हॉलो ऑर्गन की सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग बनाएगा. सो एपिथीलियम वर्ड का मतलब है इट ग्रोज ऑन अदर टिश्यूज, राइट. सो एपिथीलियल टिश्यू के आगे मैं लिख रहा हूं बेटा, इट ग्रोज ऑन अदर टिश्यूज. एपिथीलियल टिश्यू को एपिथीलियम भी कह देते हैं. बिल्कुल सिंसियरली एक एक बात मेरी ध्यान से सुनेंगे आप. एन एपिथीलियल टिश्यू और एपिथीलियम, प्लूरल इज एपिथीलिया, कंसिस्ट ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन कॉन्टिन्यूस शीट्स इन ईदर सिंगल और मल्टीपल लेयर्स. दो तरह का एपिथीलियम हम क्लासिफाई करेंगे. देयर कैन बी यूनिलेयर्ड एपिथीलियम,
देयर कैन बी मल्टी लेयर्ड एपिथीलियम. यूनिलेयर्ड एपिथीलियम को सिंपल एपिथीलियम भी कहते हैं एंड मल्टी लेयर्ड एपिथीलियम इज कंपाउंड एपिथीलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम. राइट, एपिथीलियल सेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. नंबर वन, द एडजेसेंट एपिथीलियल सेल्स के बीच में देयर इज वेरी लिटिल एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल. टाइट जंक्शंस हो सकते हैं दोनों के बीच में, अलग अलग तरह के जंक्शंस हो सकते हैं. वी विल डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ सेलुलर जंक्शंस आल्सो. एपिथीलियल सेल्स में ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं करती हैं. एपिथीलियल सेल्स दे रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. जैसे मैं आपको दिखाऊं, सपोज कीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है. बेसमेंट मेम्ब्रेन की भी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे. देर इज बेसल लेमिना, देर इज रेटिकुलर लेमिना. सो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथीलियल सेल्स रेस्ट करते हैं. ये सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम का साइड व्यू दिखाया है मैंने आपको. सो इफ देर इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स वी कॉल इट सिंपल एपिथीलियम और यूनिलेयर्ड एपिथीलियम. इफ देर आर मल्टीपल लेयर्स देन वी कॉल इट स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम और कंपाउंड एपिथीलियम. जैसे यहां पे सिंगल लेयर दिखाया है ना, तो मान लीजिए इधर मैं आपको दिखा रहा हूं कि मल्टी लेयर्ड एपिथीलियम है, एक से ज्यादा लेयर्स जो हैं. जब एपिथीलियम मल्टी लेयर्ड होगा तो ऑब्वियसली वो प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा सूटेबल होगा. जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है वहां से चीजों का फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन ज्यादा आसान हो जाएगा. सो एपिथीलियल सेल्स में ब्लड वेसल्स डीपली पेनिट्रेट नहीं करती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे कनेक्टिव टिश्यू तक ही रहती हैं. डिफ्यूजन के जरिए सेल टू सेल ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं. लेकिन एपिथीलियल सेल्स में अपना नर्व सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई नहीं है, नर्व सप्लाई प्रेजेंट. ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? जितने फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं, आपस में डिस्कशंस नहीं करेंगे, मुझसे सवाल पूछेंगे, मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं आप. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं. बिकॉज द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड आर हेल्ड टाइटली टुगेदर बाय मेनी सेल जंक्शंस, देयर इज लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. दो एपिथीलियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बहुत ही कम जगह होती है. क्या आप बता सकते हैं कौन से वाले टिश्यू में मैक्सिमम अमाउंट में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है? विच कनेक्टिव टिश्यू? हैप्पी गुरु पूर्णिमा जी, नैतिक ने कहा है, नमस्कार. कौन से वाले टिश्यू में मैक्सिमम अमाउंट में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है? सुब्रति सिंह, नर्व सप्लाई प्रेजेंट. यस, नर्व सप्लाई प्रेजेंट है. व्हाट इज नर्व सप्लाई सर प्लीज? नर्व सप्लाई का मतलब है प्रिया कि न्यूरॉन्स पहुंचते हैं एपिथीलियल सेल्स तक, ब्लड वेसल्स नहीं पहुंचती हैं. ये है नर्व सप्लाई का मतलब. ठीक है. मैंने पूछा है कौन से वाले टिश्यू में मैक्सिमम अमाउंट में एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट है. द आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू. बिल्कुल सही, किसी ने सही जवाब दे भी दिया है इसमें. कनेक्टिव टिश्यू में मैक्सिमम अमाउंट में एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट है. ठीक है, आगे बढ़ो. एपिथीलियल टिश्यू फॉर्म्स कवरिंग्स एंड लाइनिंग्स थ्रू आउट द बॉडी. इट इज नेवर कवर्ड बाय एनी अदर टिश्यू. यही बात मैंने बोली थी ना कि एपिथीलियम को फर्दर कवर करता हुआ कोई टिश्यू नहीं होता. सो इट ऑलवेज हैज अ फ्री सरफेस. इसका एक फ्री सरफेस होता है और वो जो एपिकल सरफेस है, जैसे एपिथीलियल सेल है, मान लीजिए ये एपिथीलियल सेल है, द एपेक्स वाला इज एपिकल सरफेस, नीचे वाला बेसल सरफेस, साइड वाला लेटरल सरफेस. सो एपिथीलियल टिश्यू में या एपिथीलियल सेल्स में एक डेफिनेट पोलैरिटी होती है. दे हैव अ डेफिनेट एपिकल सरफेस, बेसल सरफेस, लेटरल सरफेस. ठीक है जी, बहुत लोगों ने सही जवाब दे दिया था, कनेक्टिव टिश्यू. वेरी गुड. एपिथीलियल टिश्यू हैव थ्री मेजर फंक्शंस. क्या क्या फंक्शंस हैं? Selective barriers that limit or aid the transfer of substances into and out of the body. कई जगहों पे substances का transference होना है. हम पढ़ेंगे Bowman's capsule जो है nephron का, वहाँ पे filtration हो रहा है. Then proximal convoluted tubule PCT of nephron में brush bordered cuboidal epithelium है, वहाँ पे absorption हो रहा है. Right? Secretory surface that release products produced by the cells onto their free surface.
कई जगहों पे एपिथेलियल सेल सिक्रेटरी भी हैं, ग्लैंडुलर भी हैं। एपिथेलियम को हम क्लासिफाई करेंगे कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम फॉर्म्स द कवरिंग और द लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। द ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज सिक्रेटरी। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं, जो अपने सिक्रीशंस अपने सराउंडिंग इंटरस्टिशियल स्पेस में रिलीज करते हैं और वहां से फिर वो ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है। प्रोटेक्टिव सर्फेस दैट रेजिस्ट द एप्रेशन इन्फ्लुएंसेस ऑफ द एनवायरमेंट। जब मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम होता है तो वो प्रोटेक्शन करता है। जैसे स्किन पे अगर रगड़ लगती है, फ्रिक्शन लगती है, तो स्किन के जो सेल्स हैं ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। मल्टीलेयर्ड अगर हैं तो ऊपर के सेल्स सख्त हो चुके हैं, उनमें केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट हो चुका है, वो टूट टूट के गिरते रहते हैं। हमारी स्किन से लगातार हजारों लाखों सेल्स टूट टूट के गिर रहे हैं। स्किन में केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो अभी तक हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में एक सिंपल इंट्रोडक्शन जाना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम में आप एपिथेलियम या एपिथेलियल सेल्स का एक एनलार्ज्ड व्यू देख पा रहे हैं। ये जो है एपिथेलियल सेल, ये कॉलमनर एपिथेलियम है, कॉलम शेप्ड सेल है, टॉल स्लेंडर सेल्स। सो हमने शेप के आधार पे इन्हें क्लासिफाई करते हैं। देर आर एपिथेलियल सेल्स विच आर क्यूब शेप्ड, व्हाट आर दे कॉल्ड, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देर आर सेल्स विच आर फ्लैट लाइक द टाइल्स ऑफ अ फ्लोर, दे आर कॉल्ड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। एंड देर आर सेल्स विच आर टॉल, दे आर कॉल्ड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? सो आप देखेंगे बेटा जी, ये कॉलमनर एपिथेलियम का एपिकल सरफेस है, फ्री सरफेस है। ये साइडों वाला सरफेस लेटरल सरफेस, और ये नीचे वाला सरफेस बेसल सरफेस। ये उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये देखिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन की दो लेयर्स एकदम एनलार्ज्ड व्यू में दिखाया गया आपको। देयर इज बेसल लेमिना, देयर इज रेटिक्यूलर लेमिना। बेसल लेमिना में क्या क्या है, रेटिक्यूलर लेमिना में क्या चीजें हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। देन आप देख सकते हैं नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये नर्व सप्लाई है। मैंने कहा था ना, नर्व सप्लाई इज प्रेजेंट, तो ये रहा नर्व सप्लाई। यहां पे ब्लड वेसल का कट व्यू दिखा है आपको कनेक्टिव टिश्यू में। सो एपिथेलियल सेल्स तक ब्लड वेसल्स नहीं पहुंचती हैं, डिफ्यूजन के जरिए ही ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। इतना क्लियर है जी? Am I clear to you? Roshni is saying columnar, yes. Surabhi, columnar epithelium. Anchal Solanki says yes sir, that's very good. Nisha Kumari says yes sir. Nice to see 186 people. Please spread the video to other people also, so that भारत के कोने कोने में, इनफैक्ट भारत से बाहर भी और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका फायदा हो सके। क्लियर? The apical or the free surface of an epithelial cell faces the body surface. A body cavity or the lumen of an internal organ. It could be a tubular duct that receives the cell secretion. So, जो free surface है, वो किस तरफ होगा? ये बताई गई है बात। Apical surface may contain cilia or microvilli. Apical surface पे अगर cilia present होता है, जैसे मान लो ये columnar epithelium है, इसके ऊपर मैं अगर आपको ऐसे microvilli दिखाऊं, right? So the apical surface may have microvilli, the apical surface of the cell may have cilia also. So when cilia are present, we call it ciliated epithelium. और इसको हम brush bordered epithelium कह देते हैं। तो apical surface पर cilia हो सकते हैं, microvilli हो सकते हैं। अलग अलग जगहों पे इनका क्या काम है, वो भी हम discuss करेंगे। The lateral surface of an epithelial cell face the adjacent cell on either side. जो lateral surface आपको दिख रहा है ये वाला, दाएं बाएं जो इसके adjacent cells हैं, वो उस वाले surface को कहा जा रहा है lateral surface, और वहीं पे junctions होते हैं अलग अलग तरह के। Lateral surface may contain tight junctions, adherence junctions, desmosomes, gap junctions. We will discuss these different types of junctions in the coming classes.
The basal surface of an epithelial cell is opposite the apical surface, and the basal surfaces of the deepest layer of the cells adhere to the extracellular materials. तो आप देख सकते हैं बेसल सरफेस सबसे नीचे वाला है, ये तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, इसमें आपको आसानी से समझ आ रहा है एपिकल सरफेस बेसल सरफेस. मान लीजिए मल्टीपल लेयर्स हैं, तो जो सबसे ऊपर वाले हैं वो एपिकल हैं और जो सबसे नीचे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ वो बेसल सरफेस है. सो एपिथीलियम के बारे में आपको इतनी बेसिक बातें क्लियर हुई हैं, राइट? सोनू सेज नैना आर यू फ्रॉम पंजाब, यू आर डिस्कसिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, प्लीज अवॉइड इट. Focus on the lecture. This platform is not for friendship. It is for sharing the knowledge. So ask relevant questions to each other. Right? Knowledge अगर आपकी reflect होगी तो आपके अपने आप अच्छे friends बन जाएंगे इसमें. आप अच्छे answers देंगे, आप ज़्यादा positive answers देंगे तो definitely people will start following you. Right? अच्छी knowledge की तरफ अपने आप हर कोई खींचा चला आता है. चलिए, ये वाला slide clear है आपको. अब मैं इससे next slide में बढ़ रहा हूँ. एपिथीलियल टिश्यू, एपिथीलियल टिश्यू की बात हो रही है. ब्लैक स्लाइड हमने रखा था आपको कुछ समझाने के लिए. सो मैं दिखा रहा हूं कि हमने क्या बात करी है अभी तक. मान लीजिए ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये मैं सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम दिखा रहा हूं आपको. अगर आपने स्क्वैमस कहा तो सेल्स की शेप कुछ इस तरह से होगी. अगर हम कहते हैं कि क्यूबॉइडल है, सो दिस इज स्क्वैमस. स्क्वैमस एपिथीलियम में भी ये कैसा है? सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, सिंगल लेयर ऑफ एपिथीलियल सेल्स. इसका लोकेशन भी हम जानेंगे, ब्लड वेसल्स की सबसे अंदर वाली लाइनिंग जो है एंडोथीलियम, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम. हार्ट की सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग जो है एंडोकार्डियम, दैट इज सिंपल स्क्वैमस. एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में है जहां गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है. लिम्फ वेसल्स में है, राइट? सिंपल स्क्वैमस. ये है सिंपल क्यूबॉइडल, जहां पे सेल्स ऐसे क्यूब शेप्ड हैं, इसको क्यूबिकल एपिथीलियम भी कहते हैं. ठीक है जी, सिंपल क्यूबॉइडल और द क्यूबिकल एपिथीलियम, क्यूबॉइडल क्यूब शेप्ड सेल्स हैं. डक्ट्स ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स में है, ओवरी के सरफेस पे भी है, फॉलिकल्स हैं थायराइड ग्लैंड के, वहां पे इस तरह का एपिथीलियम है. पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना, वहां पे ऐसा एपिथीलियम है. सो इट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम. और अगर कॉलमिनर की बात करी जाए, थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि कॉलमिनर में देर आर टॉल कॉलम शेप्ड सेल्स. सेल्स की शेप के बेसिस पे वी आर क्लासिफाइंग दिस. सो दिस इज वॉट इट इज सिंपल कॉलमिनर एपिथीलियम, टॉल कॉलम शेप्ड सेल्स, जैसे हमारे स्टमक में है, एलिमेंट्री कैनाल में है. ठीक है, तो सिंपल एपिथीलियम की ये तीन अलग अलग शेप्स मैंने आपको दिखाई. मेरा नाम ले लीजिए निखिल सिंह. चलिए, स्क्रीन पे मेरी नजर पड़ी है तो निखिल मैंने आपका नाम ले लिया है. ग्रेट. चलिए, नाम लेने में बड़ा खुश हो जाते हैं आप लोग. बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करते हैं. जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है एपिथीलियल सेल्स के नीचे, वो किस चीज से बनी है, उसमें क्या क्या है? एम्स या जिपमेर के लिए याद रखिएगा, नीट के हिसाब से इतना डिटेल में आप ना भी जाएंगे तो चलेगा. द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ थिन एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर दैट कॉमनली कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स. इसकी फर्दर दो लेयर्स हैं, बेसल लेमिना, रेटिक्यूलर लेमिना. बेसल लेमिना बेसल सरफेस के पास है, रेटिक्यूलर लेमिना कनेक्टिव टिश्यू की तरफ है. बेसल लेमिना इज क्लोजर टू एंड इट इज सिक्रीटेड बाय एपिथीलियल सेल्स. इट हैज प्रोटीन्स सच एज लेमिनिन, कोलेजन, एज वेल एज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकन्स. बेसमेंट मेम्ब्रेन की बेसिकली कॉम्पोजिशन बताई गई है. बेसल लेमिना, रेटिक्यूलर लेमिना, दो लेयर्स. बेसल लेमिना इज सिक्रेटेड बाय एपिथीलियल सेल्स. इट हैज लेमिनिन प्रोटीन, कोलेजन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स. द रेटिक्यूलर लेमिना इट इज क्लोजर टू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू एंड इट हैज कोलेजन प्रोटीन. इट ऑल्सो हैज द कोलेजन प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कॉल्ड द फाइब्रोब्लास्ट. बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या है? इट इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड द सपोर्ट फॉर द ओवरलॉइंग एपिथीलियल टिश्यू. फिर एपिथीलियम का वो पॉइंट लिखा गया है यहां पे जो मैंने आपसे कहा, इट हैज इट्स ओन नर्व सप्लाई बट ए वेस्कुलर. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग से आपके लिए ऐसे बॉक्स में डाल देता हूं. इट इज ए वेस्कुलर
ब्लड सप्लाई नहीं है बट नर्व सप्लाई प्रेजेंट है. जिन भी पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर लेते हैं ना, फिर वो याद रहते हैं, वो एक स्ट्राइकिंग फीचर की तरह हमारे दिमाग में रहता है. राइट, 186 पीपल, लेट्स मेक इट 200 जल्दी से. हिस्टोलॉजी आपके बिल्कुल एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में भी है, क्विकली वहां पे तो करना होता है, वहां इतना टाइम ही नहीं होता. तो अगर चीजों का पहले से सॉलिड बेस हो तो और भी अच्छा रहता है. अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ, पैशन के साथ पढ़िए. ओके, द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग इन न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट आर लोकेटेड इन कनेक्टिव टिश्यू. ये बात मैंने पहले बताई आपको कि एपिथेलियल सेल्स तक ब्लड वेसल नहीं पहुंचती, नीचे कनेक्टिव टिश्यू तक रहती है. एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू अकर्स बाय डिफ्यूजन. राइट, तो इस पूरी स्लाइड को एक रीकैप दे देता हूं एक मिनट में कि क्या पढ़ा है आपने इसमें. बेसमेंट मेम्ब्रेन की दो लेयर्स हैं, बेसल लेमिना, रेटिकुलर लेमिना. बेसल लेमिना ऊपर वाली है जो एपिथेलियल सेल्स ने सिक्रीट करी है, जिसमें प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स हैं, इसके अलावा लेमिनिन और कोलेजन है. उसके नीचे जो रेटिकुलर लेमिना है, रेटिकुलर लेमिना में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ने कोलेजन सिक्रीट करा हुआ है. बेसमेंट मेम्ब्रेन अटैच करके रख रही है एपिथेलियल सेल्स को नीचे वाले कनेक्टिव टिश्यू के साथ. ब्लड वेसल्स कनेक्टिव टिश्यू तक पहुंचती हैं, नर्व सप्लाई ऊपर तक जाती है. क्योंकि एपिथेलियल सेल्स में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, तो इसलिए डिफ्यूजन के जरिए ही उन तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं. इतना क्लियर है तो थम्स अप साइन भेजिए. स्लाइड में बहुत ज्यादा बातें लिखी हैं, पर डरना नहीं है, मैंने क्विकली आपको शॉर्ट में वो सारी बातें बता दी हैं. अगर 10 बातें बताऊंगा तो कोई 5 तो याद रहेंगी ना उसमें से. ठीक है, क्लियर है जी? थम्स अप साइन मिल सकता है हमें. लेमिनिन क्या होता है? इट्स अ प्रोटीन. आप में से कुछ लोग कह रहे हैं साउंड प्रॉब्लम आ रहा है. बेटा साउंड आप अपने लोकल लेवल पे वहीं चेक कीजिए, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है और ना ही बाकी बच्चों ने ऐसा कुछ कंप्लेन करा है. सो मे बी आपके वहीं पे कुछ कनेक्टिविटी इश्यू होगा. राइट, आपने थम्स अप साइन भेजा है. ओके जी, रितु प्रभा रॉय सेज यू आर आउटस्टैंडिंग सर, 200 लाइव वॉचिंग आर शॉर्ट फॉर यू. कोई बात नहीं, जितना जेन्युइन क्लाइंटेल है वो तो हमें वॉच कर रहा है ना, जो एक्चुअल इसी मकसद के साथ है कि डॉक्टर बनना है, सपना पूरा करना है, वी वांट दैट क्राउड, वी वांट द जेन्युइन क्राउड, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट. चलिए, फ्री सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स मे हैव माइक्रोविलाई, थोड़ी देर पहले बताया था. दे मे हैव सीलिया, रेयरली कहीं फ्लैजेला भी हो सकता है. स्टीरियो सीलिया, so they are minute finger-like processes which increase the absorptive surface area. Stereocilia, they are non-motile processes found in epithelium of epididymis. Epididymis is a part of male reproductive tract. Vast difference, male reproductive tract and the hair cells of the internal ear. Clear hai ji? Itni baatein? In human body, the spermatozoans, they have flagella. Flagella sirf spermatozoa mein hai. Ye class 12th mein reproductive physiology mein bhi humne padha hai. So, yahan pe aap dekh pa rahe hain ki jo free surface hai epithelial cells ka, wahan cilia ho sakte hain, wahan microvilli ho sakte hain, absorptive surface area badhane ke liye, ya wahan stereocilia bhi ho sakte hain. Clear hai ji? Chaliye, aage badh raha hoon. Types of epithelium. Epithelium को broadly हम दो categories में divide कर सकते हैं. So मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि epithelium है या जो epithelial tissue है, इसकी दो types हैं. One is covering and lining epithelium. ऐसे लिख देते हैं, covering and lining epithelium, जो organs की covering या lining बना रहा है. And second is glandular epithelium, जो कि glands बना रहा है. Gland means any cell or tissue which is secretory in nature. Covering and lining वाले epithelium को हम further classify करेंगे बेटा जी, simple epithelium में या unilayered epithelium में and compound epithelium. Compound epithelium, which is also called multi-layered epithelium or stratified epithelium. ये broad classification है जो आपको ध्यान रखना है. So epithelium broadly दो तरह का, covering and lining and glandular. Covering and lining further दो तरह का कर दिया, simple वाला यानी unilayered, multiple वाला यानी multi-layered. ठीक है जी, इतना clear चल रहा है? Right. Glandular epithelium gland formation है. तो मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा था यहाँ पे. Epithelial tissue may be divided into
two types, covering and lining epithelium, second glandular epithelium. It forms the outer covering of the skin. Your skin is having stratified epithelium and some internal organs also. It also forms the inner lining of blood vessels, ducts, body cavities, interior of the respiratory, digestive, jitne bhi hollow organs hain, unki sabse andar wali lining jo hai, wo covering and lining epithelium hi bana hua hai. Clear? Aankhon ka jo conjunctiva hai, the mucous membrane, wo bhi epithelium hai. Jahan bhi exposed part of the body hai, chahe skin hai, chahe wo eyeball ka exposed part hai, you will have epithelium there. Glandular epithelium makes up the secreting portion of the glands like thyroid gland, adrenal gland, sweat glands. Glands aap jante hain do tarah ki ho sakti hain, exocrine gland, endocrine glands. Chaliye main aapse example puchta hu, mujhe jaldi se bataiye which is the largest gland in the body. My question is which is the largest gland in the body. Dr. Nimai Chandra Datta is asking the ultrastructure of cilia. Beta, ultrastructure of cilia, we cannot discuss in animal tissues. When we'll discuss cell biology, cytology, there we will discuss the cilia flagella. Haanji, largest gland of the body. Pragya ne kaha conjunctiva. Conjunctiva jo hai, aapke eyeball ke exposed part ko cover karta hai. Haanji. जल्दी से जवाब दीजिए. The largest gland of the body, scintillating. अच्छा ये मेरे लिए रिमार्क आया. Thank you so much. Liver is the right answer. Liver is the largest gland of the body. Pancreas is the second largest gland of the body. ठीक है. Largest organ अगर कहा जाए body का तो वो skin है. Right? Surface area सबसे ज़्यादा skin का है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Covering and lining epithelium, glandular epithelium. So next बढ़ते हैं. Types of epithelial tissue. So, वही जो मैंने आपको पीछे यहाँ पे classification लिख के बता दिया है, इसी के लिए वो next slide रखवाया गया था. So, covering and lining epithelium में देख लेते हैं यहाँ पे. अगर हम simple epithelium की बात करें, types of epithelial tissue में, चलिए पहले मैं discuss कर लेता हूँ यहाँ पे. Say simple epithelium, which is also called unilayered epithelium. It has single layer of cells resting on basement membrane. Single layer of cells hai basement membrane ke upar. Cells ki shape ke aadhar pe hum simple epithelium ko teen subtypes mein divide kar sakte hain. Jo maine thodi der pehle aapko bataya bhi. That is simple squamous epithelium. The cells are flat. They appear like tiles of a floor. Simple squamous epithelium. Another is simple cuboidal or cubical epithelium. And another is simple columnar. The cells are tall, column shaped. ठीक है. So simple epithelium के ये तीन types हो गए. इसको अगर ऐसे side view में देखेंगे तो ये आपको simply ये इसका side view ऐसा नजर आएगा. इसको देखेंगे बेटा तो ये ऐसे cube shaped cells होंगे. जैसे cubes रखे हैं एक के साथ एक. It's like this. ठीक है. नीचे इनके basement membrane होगा जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, basal lamina, reticular lamina. इसकी अगर बात करेंगे तो ये ऐसे tall column shaped cells होंगे. अगर इन cellular layers को हम multiple कर देते, ये जो columnar epithelium है ना, इसका nucleus जो है that is towards the basal region. तो मैंने cell की shape के आधार पे इसको अलग-अलग categories में बांटा है. ठीक है. Clear है. Right. आगे देखते हैं इस स्लाइड को. अब मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं और ज्यादा डिटेल्स में जाते हैं इसकी. इनकी लोकेशन पे क्वेश्चन आता है कि सिंपल स्क्वैमस कहां पाया जाता है, सिंपल क्यूबॉइडल कहां पाया जाता है, सिंपल कॉलमिनर कहां पाया जाता है. ये मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट बना दिया है आपके लिए. इसको आप गौर से देख लीजिएगा कि एपिथेलियल टिश्यू सिंपल दैट इज वन सेल लेयर थिक कंपाउंड, मोर देन वन सेल लेयर थिक. नहीं, कंपाउंड एपिथेलियम वहां पे होगा जहां पे क्या चीज चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए. कहीं रगड़ लग सकती है, एब्रेशन हो सकता है, वो प्रोटेक्शन के लिए कंपाउंड एपिथेलियम है. सिंपल वाले का स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमिनर या फिर सिलिएटेड हो तो कॉलमिनर क्यूबॉइडल. स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी हम पढ़ेंगे. स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो है इट अपीयर्स टू बी मल्टीलेयर्ड बट एक्चुअली इट इज नॉट. एक फॉल्स अपीयरेंस देता है मल्टीलेयर्ड होने की. राइट. Then compound epithelium, जिसे stratified epithelium भी कहते हैं, that can be squamous, which can be keratinized, non-keratinized.
क्यूबॉइडल, कॉलमिनर और स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर एंड सिलिएटेड। ये एक पूरा फ्लो चार्ट है, आपके लिए आसान हो जाएगा चीजों को याद रखना। और इसके बाद हम वन बाय वन एक एक तरह का एपिथीलियम लेके उसे एक्सप्लेन करते हैं कि स्क्वेमस कहाँ पाया जाता है, स्क्वेमस की शेप कैसी होती है, क्यूबॉइडल कहाँ पाया जाता है, लोकेशन आपको याद रखनी है, राइट। एनसीईआरटी के भी कुछ डायग्राम्स इसमें अभी लिए जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड आपने एग्जांपल दिया, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड, द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी। कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथीलियम की डिटेल्स आ रही हैं, जो बातें मैंने ओरली आपको बोली है ना वो सब लिखी हुई हैं। कई बार आप कहते हैं कि सर आप तेजी से बोल जाते हैं, हम लिख नहीं पाते, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज मैंशनड ऑन द स्क्रीन। ये पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास पहुंच जाएगा, तो वही आपके लिए नोट्स हैं और एनसीईआरटी तो है ही है, राइट। दीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टू कैरेक्टरिस्टिक्स, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन टू लेयर्स एंड द शेप ऑफ द सेल्स। अगर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द लेयर की बात करें, सो देयर इज सिंपल एपिथीलियम विद सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, देयर इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। स्यूडो वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉल्स। Pseudo stratified मतलब it appears to be multi-layered, but actually it is not. Then comes the actually stratified. Stratum means different layers. ठीक है, ये terminology आपको पहले भी बता चुका हूं, आगे बढ़ रहे हैं। Cells की shape के आधार पर covering and lining epithelium को squamous, cuboidal, कॉलमिनर, एक ट्रांजिशनल सेल्स भी होते हैं जो अपनी शेप बदलते हैं। ट्रांजिशनल एपिथीलियम हम पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है, द ब्लैडर वॉल स्ट्रेचेस, सो ट्रांजिशनल एपिथीलियल सेल्स अपनी शेप बदलते हैं, ट्रांजिट करते हैं, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। सो स्क्वेमस मीन्स द सेल्स आर अरेंज्ड लाइक फ्लोर टाइल्स। जैसे अगर आप ऊपर से देखें तो आपको ऐसे नजर आएंगे, इसको पेवमेंट एपिथीलियम भी बोल देते हैं। दे हैव अ सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, द सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। क्यूबॉइडल सेल्स आर एज टॉल एज दे आर वाइड। जब एक क्यूब की बात करें तो वो तो लंबाई चौड़ाई जहां से भी देख ले वो एक जैसा ही दिखेगा ना। सो दे आर शेप्ड लाइक क्यूब्स और हेक्सागन्स। दे मे हैव माइक्रोविलाई एट देयर एपिकल सर्फेस एंड फंक्शन इन ईदर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। जनरल बातें लिखी हैं इन सेल्स के बारे में, हमें स्पेसिफिकली हर किसी का लोकेशन जानना है एपिथीलियम का। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये डायग्राम देख करके आपको कुछ राहत मिली होगी कि ये हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, एनसीईआरटी में से लिया मैंने एज इट इज बेटा। अगर मान लीजिए इसका लेबलिंग नहीं भी लिखा हो, देन ऑल्सो यू शुड नो दैट इन दिस यू कैन सी दैट द फ्लैटेंड सेल्स, दिस इज अ साइड व्यू, दिस इज अ टॉप व्यू। सो ये फ्लैटेंड वाला कौन सा हो जाएगा? सिंपल स्क्वेमस। इन द सेकेंड डायग्राम यू कैन से द क्यूब शेप्ड सेल्स, सो दिस क्यूब लाइक इज द क्यूबॉइडल एपिथीलियम। इन द थर्ड यू कैन सी दिस टॉल कॉलम शेप्ड सेल्स, सो इट इज वॉट? कॉलमिनर एपिथीलियम। एंड हेयर यू हैव कॉलमिनर एपिथीलियम बियरिंग सीलिया, सिलिएटेड। ये वाले जो प्रोसेसेस हैं ऊपर, ये क्या है? सीलिया। सो ये एनसीईआरटी का डायग्राम्स एज इट इज आपके लिए प्रेजेंट किए गए हैं। आई होप इसको देख करके कोई घबराहट नहीं हो रही हुई आपको। ओके, ठीक है। सो मान लो सिर्फ ये वाला एक डायग्राम दिया है, इसकी लेबलिंग नहीं दी, और आपसे ये पूछा जाए दैट ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड टेल दैट वेयर इज दिस टाइप ऑफ एपिथीलियम प्रेजेंट। फिर आपको ध्यान रखना है कि स्क्वेमस के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है और स्क्वेमस एपिथीलियम कहां कहां पाया जाता है। चलिए, सो अब हम एक एक एपिथीलियम पे डिटेल में आ गए। मैंने अलग से एक एक एपिथीलियम की पिक्चर आपके लिए और उसका लोकेशन कहाँ कहाँ होता है वो लिखा है। बात चल रही है सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम की, मतलब इट हैज सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। जैसे जिस जमीन पे आप बैठे हैं उसकी जो टाइल्स जैसी आपको नजर आ रही हैं, पेवमेंट एपिथीलियम भी कह देते हैं इसको। नीचे ये पॉइंट लिखा है मैंने, इधर देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथीलियम। पेवमेंट होता है ना, रास्ता बना हुआ, पगडंडी जिसे हम कह देते हैं। स्क्वेमस एपिथीलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज, टेसिलेटेड एपिथीलियम भी कह देते हैं इसे। दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ, अब ये याद रखने वाली बात है जी, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स,
बोमेंस कैप्सूल जो कि नेफ्रॉन में है, एयर सैक्स यानी एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स एंड आर इन्वॉल्व्ड इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री. लंग्स के एल्वियोलाई जो है वहां पे क्या डिफ्यूजन हो रहा है, गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है. अगर मैं एक सिंपल एल्वियोलाई यहां से आपको बना के दिखाऊं तो एल्वियोलाई आर समथिंग लाइक दिस, राइट. सो एल्वियोलाई के अंदर ये सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम है, तो जो एयर पहुंचती है यहां पे, वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड वेसल की तरफ चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से एल्वियोलाई में आ जाती है. तो सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम का डिफ्यूजन वाला काम हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम दैट लाइन्स द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स इज नोन एज एंडोथीलियम. इसी एपिथीलियम को अगर आप ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है वहां पे एक अलग से नाम दे देते हैं, एंडोथीलियम, ठीक है. द टाइप दैट फॉर्म्स द एपिथीलियल लेयर ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम जो है हार्ट का, वहां पे जो प्रेजेंट है प्लूरा में या पेरिटोनियम में, देयर वी यूज द टर्म मेसोथीलियम. तो लोकेशन के हिसाब से बस नाम हमने बदला है. हार्ट के केस में क्या कह देते हैं बताइए, विच इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द हार्ट, बोलिए जल्दी से, विच इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द हार्ट. हार्ट में तीन लेयर्स होती हैं, एक तो मसल वाली लेयर होती है मायोकार्डियम, एक बाहर वाली पेरिकार्डियम जिसकी फर्दर लेयर्स होती हैं आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम, इनर सीरस पेरिकार्डियम. सीरस की फर्दर दो लेयर्स होती हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम. सो माय क्वेश्चन इज, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड व्हाट. प्रज्ञा ने कहा है सिंपल स्क्वैमस फाउंड इन ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स, बोमेन कैप्सूल, एयर सैक, बिल्कुल सही कहा. समंथा ने सही जवाब दिया है, सुरभि ने भी सही कहा है, वर्षा दास ऑल्सो सेज द राइट आंसर, अनुराग ने सही कहा, वंदना, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है. सो एंडोकार्डियम बोलते हैं इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द हार्ट में, एंडोकार्डियम, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, अनलाइक अदर एपिथीलियल टिश्यूज विच डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एंडोथीलियम एंड मेसोथीलियम दे डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म. सो एपिथीलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कि तीनों जर्म लेयर से बन रहा है. कुछ एपिथीलियम एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ मेसोडर्म से, कुछ एंडोडर्म से. क्लास 12th के सिलेबस में जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे, उसमें तीन जर्म लेयर्स आपको बताऊंगा, एक्टो, मेसो, एंडो. फेट ऑफ जर्म लेयर्स हम जानेंगे कि अलग अलग जर्म लेयर से क्या क्या चीज बनती है. सो एपिथीलियल टिश्यू तीनों जर्म लेयर से बनते हैं. क्लियर है, सिंपल स्क्वैमस क्लियर है. सिंपल स्क्वैमस का लोकेशन याद रखना है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, हार्ट, इन सब जगहों पे सिंपल स्क्वैमस है, बोमेंस कैप्सूल आल्सो. क्लियर है जी, राइट. द मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियम, ये बात हमने सही कही. हार्ट की जो मिडल लेयर है, मस्कुलर लेयर है, मायोकार्डियम कहलाती है, वहां पे कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड, हाँ जी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम और द क्यूबिकल एपिथीलियम. आप देख सकते हैं सेल्स क्यूब शेप्ड है ना. ये देखिए सिंपल क्यूबॉइडल सेल, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, कनेक्टिव टिश्यू, और वो ब्लड वेसल का कट व्यू है. सो आप इस स्लाइड को देख के भी पहचान सकते हैं कि ये क्यूब शेप्ड सेल्स बने हुए, तो ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम है. इसका लोकेशन याद रखना है, बहुत सारी बातें तो मैंने बताई दी थी, फॉलिकल्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड में है, पिगमेंट लेयर ऑफ रेटिना में है, इसके अलावा जो पीसीटी है, नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, वहां पे इसमें माइक्रोविलाय भी होते हैं, इसलिए इसे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम कहते हैं, क्योंकि वहां सरफेस एरिया बढ़ाना है ना एब्जॉर्प्शन के लिए. जैसे इस तरह से मैं बना दूं अगर, सो इट इज लाइक दिस, ये क्यूबॉइडल सेल और ये इसके एपिकल सरफेस पे माइक्रोविलाय है, तो हम ये कहते हैं दैट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन, ये वाली डक्ट जो है पीसीटी है. नेफ्रॉन की अलग अलग सेगमेंट्स होती हैं, नेफ्रॉन में बोमेंस कैप्स्यूल है, पीसीटी है, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डीसीटी. सो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का एपिथीलियम है. बोमेंस कैप्स्यूल में सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, पीसीटी की बात कर रहे थे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथीलियम. ध्यान रखेंगे ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है.
This is commonly found in the duct of the glands and tubular part of nephrons in the kidney, and its main function are secretion and absorption. It is also found in the ducts of small glands, follicles of thyroid gland. Thyroid gland is the largest endocrine gland. Thyroid gland mein follicles hain. Follicle kya hai? A group of cells enclosing a cavity. Maan lijiye jaise ye hai. So yahan pe ye cuboidal cell hai aur beech mein jo cavity ko ye enclose kar rahe hain, that is this, right? Follicle. Ye complete structure kya ban gaya? Follicle. So follicles of thyroid gland mein cuboidal epithelium hai. Main likh bhi deta hu use. Thyroid follicle. Thyroid gland hormones banati hai na? Thyroxin, T4, then T3 also, T3, T4. So pigment layer of retina, surface epithelium of ovary, as well as eye lens jo hai, lens ka capsule jo hai, wahan pe bhi ye present hai. Theek hai? Cuboidal epithelium ka location yaad rakhna hai. Location mein PCT of nephron, brush bordered epithelium, pigment layer of retina, lens ka capsule, surface of ovary, ducts of small glands, thyroid follicles. Kitna sara location aapko bata diya? Am I clear? Thyroglobulin, haan, thyroglobulin banta hai thyroid gland ke andar. Thik hai? Aage bat sakta hoon? If it is clear, send me a thumbs up sign. Iske baad main aage batta hoon simple columnar epithelium pe. जल्दी से बताइए, if it is clear to you, तो हम आगे बढ़ते हैं. Come on, quickly. Yes, Chaya Singh says, yes, it's clear. Rumi says, clear. Simran, Anurag, Sonu, Surbhi, Samantha. Great. ज्यादातर लोगों का, Tejashri is also there. Good, good. आगे बढ़ता हूँ. Well, आपके सामने है simple columnar. Column shaped cell hai, simple keh diya to matlab single layer of cells. Aap diagram dekh pa rahe hain, right? Bada beautifully illustrate kiya gaya hai yahan pe. Ye non ciliated wala hai, yahan cilia present nahi hai, yahan pe microvilli present hai. So mucus secreting goblet cells bhi hai, ye bhi dhyan rakhna hai yahan pe. Aur ye absorption wale cells hai. Microvilli kya hai? Plasma membrane ki hi infoldings hai, wo surface area ko badha dete hai. The columnar epithelium is composed of single layer of tall and slender cells. Their nuclei are located at the base. Ye dhyan dijiye isme. Columnar epithelium mein nucleus jo hai, wo niche ki taraf hai. Ye wali cheez jo hai, this is nucleus. So nucleus is located towards the basal surface. It lines gastrointestinal tract from the stomach to the anus. Duct of many glands and even gallbladder. So that is simple columnar epithelium. Intestine mein bhi hai. Wahan pe hum ise enterocyte keh dete hain. So dhyan rakhna. When you say enterocyte, enterocytes kya hai? Enterocytes are the columnar epithelial cells of intestine. Hai na? वहां पे माइक्रोविलाय है ना, आपने पढ़ा होगा विलाय माइक्रोविलाय. सो माइक्रोविलाय जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं. सिलिएटेड सिंपल कॉलमिनर. पिछला वाला जो था वो नॉन सिलिएटेड था, वहां माइक्रोविलाय था तो उसे ब्रश बॉर्डर भी बोल देते हैं. अब क्या आ गया? सिलिएटेड, जहां पे सीलिया प्रेजेंट है, कॉलम शेप्ड सेल्स हैं और सीलिया भी है. सो नाम देखिए, सिलिएटेड सिंपल कॉलमिनर एपिथेलियम. सीलिया जब बीट करेंगे सो डस्ट पार्टिकल्स को आगे पुश कर सकते हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होना चाहिए. फेलोपियन ट्यूब में जो ऊसाइट है उसे आगे पुश कर सकते हैं, सो फेलोपियन ट्यूब में हो सकता है. सो इस तरह से याद रखना भी आसान है आपके लिए. इट कंटेन्स कॉलमिनर एपिथेलियल सेल्स विद द सीलिया एट देयर एपिकल सर्फेस. राइट, सीलिया आ जाएंगे एपिकल सरफेस पे, इसलिए हमने सीलिएटेड कह दिया इसे. इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द स्मॉलर एयरवेज ब्रोंकियोल्स. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या है? ट्रेकिया. देन देयर इज प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एट्रिया, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर, बहुत कुछ है वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में. जहां पे ब्रोंकियोल्स हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वहां पे ये प्रेजेंट है. गॉबलेट सेल्स भी होते हैं बीच बीच में जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं. गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं. म्यूकस सिक्रीटेड बाय द गॉबलेट सेल्स फॉर्म्स अ फिल्म ओवर द एयरवे सरफेस दैट ट्रैप्स इनहेल्ड
फॉरेन पार्टिकल्स जब आप सांस लेते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स या पैथोजेंस भी अंदर चले जाएंगे, म्यूकस उन्हें ट्रैप कर लेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि इसका लोकेशन कहां कहां है। इट लाइंस फेलोपियन ट्यूब्स और द यूटराइन ट्यूब्स, यूट्रस में भी प्रेजेंट है, इफरेंट डक्ट्स ऑफ द टेस्टिस, सम पैरानेजल साइनसेस, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के वेंट्रिकल्स में भी ये प्रेजेंट है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फ्लो बना के रखने के लिए। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, टू मेंटेन फ्लो ऑफ CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीलिया की बीटिंग से उसका फ्लो बना रहेगा। क्लियर है, इतनी बातें समझ आ रही हैं। म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय द गॉबलेट सेल, सही कहा आपने, यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड है गॉबलेट, एक सिंगल सेल भी एक ग्लैंड की तरह काम कर सकता है, नो डाउट। चलिए, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथीलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है इट अपियर्स टू बी मल्टीलेयर्ड बट एक्चुअली इट इज नॉट। स्यूडो रेफर्स टू फॉल्स, कि देखने में लगता है मल्टीलेयर्ड पर होता नहीं है। इसमें होता क्या है कि सेल्स आर ऑफ डिफरेंट हाइट, बड़े छोटे सेल्स हैं, लेकिन नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन से सब जुड़े हैं, न्यूक्लियस का पोजीशन भी ऊपर नीचे है, तो एक फॉल्स अपीयरेंस हो जाती है कि शायद ये मल्टीलेयर्ड है। सो लिखा है इट अपीयर्स, ये पॉइंट देख लीजिए, इट अपीयर्स टू हैव सेवरल लेयर्स बिकॉज द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स आर एट वेरियस डेप्थ्स, अलग अलग लेवल पे न्यूक्लियस है। इवन दो ऑल द सेल्स आर अटैच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन इन अ सिंगल लेयर, सम सेल्स डू नॉट एक्सटेंड टू द एपिकल सर्फेस। ऊपर नीचे हैं सेल्स, तो नीचे तक बेसमेंट मेम्ब्रेन से तो सारे जुड़े हैं, पर हर सेल बराबर की ऊंचाई का नहीं है, ये लिखा गया इसमें। When viewed from the side, these features gives the false impression of a multi-layered tissue. तो ये एक false impression देता है कि शायद ये multi-layered है, पर होता नहीं है। So the name is pseudo-stratified. Pseudo का मतलब यहाँ पे लिखा है, pseudo means false. The cells that extend to the surface either secrete mucus or the bear cilia. तो जो सरफेस तक जा रहे हैं उनके पास सीलिया हो सकते हैं, तो इसलिए सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलिमिनल हो गया। द सिक्रेटेड म्यूकस ट्रैप्स द फॉरेन पार्टिकल्स एंड द सीलिया स्वीप अवे म्यूकस फॉर इवेंचुअल एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। इट कंटेन्स सेल्स विदाउट सीलिया एंड लैक द गॉबलेट सेल्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड। सो सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड ये दोनों तरह का हो सकता है, राइट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी इस तरह का एपिथीलियम पाया जाता है। ध्यान इतना रखना है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के बारे में अगर आपसे फीचर्स पूछे जाएं, अपीयर्स टू बी मल्टीलेयर्ड बट एक्चुअली इट इज नॉट, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट हाइट, सम सेल्स आर टॉल, सम सेल्स आर शॉर्ट, ऑल द सेल्स दैट टच द बेसमेंट मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज अ डिफरेंट पोजिशन, एपिकल सर्फेस मे हैव सीलिया, सो इट इज सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलिमिनर। If the apical surface does not have cilia, it is non-ciliated pseudo-stratified columnar. Clear? Right? Terminology बड़ी बड़ी लगती है, चीजें इतनी बड़ी नहीं है, right? चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने simple epithelium finish कर दिया, covering and lining epithelium की बात चल रही थी। Simple epithelium मतलब single layer of cells, cells की shape के आधार पे squamous, cuboidal, कॉलिमिनर या फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब हम एक्चुअल में आ जाते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम पे, बढ़ सकते हैं जी आगे। क्लियर है, नैतिक, विप्लव, प्रज्ञा, समंथा, आकाश, साम्यो, मोहित, सुरभि, अपर्णा, मजा आ गया, नैतिक सिंह मजा आ गया, तुम्हारा नाम मैंने बार बार ले लिया ना, मेरी जुबान पे चढ़ गया है, इसलिए तुम्हें लग रहा है मजा आ गया। मुझे मजा तब आएगा जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छा रैंक आएगा, दैट विल बी अ रियल हैप्पीनेस फॉर मी, इनफैक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। बहुत लोगों के तो मुझे नाम याद हो गए हुए हैं, मैं बिना स्क्रीन देखे भी बोल सकता हूं कि कौन कौन लोग जो है वो रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हैं, रेगुलर टच में है, राइट। एक अपनापन फील होता है उससे, एंड
प्लस की क्लासेस फिर से बोलूंगा, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप प्लस की क्लासेस में भी आइए, वहां पे ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू कर दिया है मैंने. द टॉपिक विच आई एम डिस्कसिंग इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से हमने शुरू करा है उसे. चलिए आगे बढ़ते हैं. फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, किसी ने पूछा. बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथीलियल सेल्स को नीचे वाले कनेक्टिव टिश्यू से जोड़ रहा है, राइट. It consists, in contrast to the simple epithelium, stratified epithelium has two or more layers. जैसे मैं यहां पे stratified epithelium बना के दिखाऊं, मान लीजिए ये तो है basement membrane, उसके ऊपर ये एक single layer of squamous epithelial cells, और फिर ये इसके ऊपर एक और layer, okay? इसके ऊपर एक और layer. ठीक है, सो ऐसे मल्टीपल लेयर्स हैं और कनेक्टिव टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन तो नीचे ही है. अब आप खुद ही सोचिए, जितना ज्यादा ये मल्टी लेयर्ड होता जाएगा तो न्यूट्रिशन सोर्स से दूर होते जाएंगे सेल्स. मान लीजिए ये था बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, और ये रही ब्लड वेसल्स से फॉर एग्जाम्पल. सो मल्टी लेयर्ड हो जाने के कारण क्या है, द सेल्स ऑफ द अपर लेयर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूट्रिएंट सोर्स, सो दीज सेल्स विल श्रिंक, दे विल डिहाइड्रेट, दे विल डिटैच एंड दे विल बी लॉस्ट. जैसे जैसे ये मल्टी लेयर्ड होता जाता है, ऊपर वाली लेयर्स के जो सेल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन के सोर्स से दूर चले गए. उनका न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनेल्स भी खत्म हो जाती हैं और ये टूट टूट के गिरने लगते हैं, राइट. यही फीचर है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम का. स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम चाहे स्क्वैमस हो, चाहे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हो या स्ट्रेटिफाइड कॉलिमिनर हो, ये बेसिक फंडा यही है. एज द मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स आर डेवलपिंग, द सेल्स ऑफ अपर लेयर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूट्रिएंट सोर्स, दे विल श्रिंक, दे विल डिहाइड्रेट, दे विल लूज देयर न्यूक्लियस एंड दे विल बी लॉस्ट. चलिए, बिकॉज ऑफ दिस इट इज मोर ड्यूरेबल, मल्टी लेयर्ड होने के कारण प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा सूटेबल है एंड इट कैन बेटर प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज. Some cells of stratified epithelium also produce secretions. The name of the specific kind of stratified epithelium depends on the shape of the cells. जैसे हमने simple वाले में classify किया था ना, simple squamous, simple cuboidal, simple columnar, ऐसा ही हम इसमें classify करेंगे. इसकी क्या क्या types हो जाएंगी, जैसे stratified मतलब multi-layered वाला squamous, stratified squamous. नंबर टू, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल विच इज अ लेयर रेयर टाइप ऑफ एपिथीलियम. नंबर थ्री, स्ट्रेटिफाइड कॉलिमिनर. ठीक है, स्ट्रेटिफाइड वर्ड लगा देना बस आपने आगे, कि मल्टी लेयर्ड स्क्वैमस है, मल्टी लेयर्ड क्यूबॉइडल है या फिर मल्टी लेयर्ड कॉलिमिनर है. ठीक है, इतना क्लियर है, राइट. बढ़िया जी, चले आगे बढ़े, मजा आ गया. आज तो अभी भी 161 लोग जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आपको अच्छे से चीजें समझ आ रही हैं. एक बार ये लेक्चर आपने अभी देख लिया, एक बार इसे और रिपीट करके देखिएगा, फिर सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. क्योंकि अभी तो बीच बीच में आपका ध्यान चैटिंग में भी लगा हुआ है, जब आप कंप्लीटली इसे कॉन्शियस माइंड के साथ फोकस होकर के देखेंगे सो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, फिर आप एपिथीलियम कभी नहीं भूलेंगे. चलिए, सबसे पहला स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, आप खुद ही देख रहे हैं, देखो कितने मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स दिखाए गए यहां पे. तो जब मल्टीपल लेयर्स हो गए तो देख करके ही हम बता सकते हैं कि ये स्ट्रेटिफाइड है, और स्ट्रेटिफाइड में ये शेप स्क्वैमस वाली है, फ्लैटन स्क्वैमस सेल्स एट द एपिकल सरफेस, सो इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस. स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस दो तरह का हो सकता है, अगर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है ऊपर वाले सेल्स में सो वी कॉल इट केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, और अगर केराटिन प्रोटीन नहीं है तो इट इज नॉन केराटिनाइज्ड. केराटिन एक टफ फाइब्रस वाटरप्रूफ प्रोटीन है. ठीक है, अगर सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ सेल्स हैव केराटिन, इट इज कॉल्ड केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम, जो कि आपकी स्किन में प्रेजेंट है और सेल्स लगातार टूट रहे हैं. और अगर केराटिन नहीं है देन इट इज कॉल्ड नॉन केराटिनाइज्ड. ठीक है, जनरल फीचर्स पढ़ देता हूं आपके लिए. एपिकल लेयर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एपिथीलियम आर फ्लैट, ऊपर वाली लेयर्स फ्लैट. दोज ऑफ द डीप लेयर्स में वेरी इन शेप, जो नीचे वाले हैं वो क्यूबॉइडल कॉलिमिनर हो सकते हैं.
The base cell, the deepest cell, continuously undergo cell division. नीचे के जो cells हैं, वो लगातार divide करके नए cells बनाते रहेंगे और वो ऊपर की तरफ जाते रहेंगे. As new cells grow, the cells of the basal layer are pushed upwards towards the apical surface. नीचे से नए cells बने और वो ऊपर धकेलते जा रहे हैं ऊपर वाले cells को, and they are moving away from the nutrient source. As they move farther from the deeper layers and from their blood supply in the underlying connective tissue, they become, यही बातें मैंने बोली थी, dehydrated, shrunken, harder, and then they die. At the apical layer, after the dead cells lose their cell junctions, they are sloughed off. मतलब वो टूट के गिरते रहते हैं. हमारी स्किन के सेल्स भी लगातार टूट रहे हैं. जिन मैट्रेसेस पे, जिन गद्दों पे हम सोते हैं, एक डेफिनेट टाइम के बाद उनका वजन बढ़ जाता है, वो हैवी हो जाते हैं. वो इसीलिए, बिकॉज आपकी स्किन से टूटे हुए लाखों करोड़ों सेल्स उन सब में इकट्ठे हो चुके हैं और वहां पे बहुत तरह के फंजाए, बहुत तरह के बैक्टीरिया ग्रो कर चुके हैं. तो मैट्रेसेस का एक लाइफ टाइम होता है जिसके बाद उन्हें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उन्हें फेंक देना चाहिए. ओके, केराटिनाइज्ड, अनुराग कह रहे हैं केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जो है वो एपिडर्मिस में है. स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस, दैट इज केराटिनाइज्ड. मैंने कहा यहां केराटिन प्रोटीन है, केराटिन टफ है, हार्ड है, फाइब्रस है, लेकिन स्किन तो फिर भी सॉफ्ट लगती है, स्किन तो हार्ड नहीं होती. क्यों? क्योंकि स्किन के अंदर ऑयल ग्लैंड्स भी हैं और स्वेट ग्लैंड्स भी हैं. लगातार ऑयल और स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है जो आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाए हुए है. सर्दियों में, विंटर्स में हम कहते हैं ना स्किन ड्राई हो जाती है, वो इसलिए बिकॉज स्वेट प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण फिर हमें मॉइस्चराइजर, लोशंस यूज करने पड़ते हैं. ठीक है, राइट. चलिए, कॉस्मेटिक बातें भी आपको बता रहा हूं, देख लो, होशियार बच्चे बना दूंगा मैं आपको. टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, मैंने पहले ही बता दिया कि दो तरीके का होता है बेटा. अगर केराटिन प्रेजेंट है तो केराटिनाइज्ड, और अगर केराटिन नहीं प्रेजेंट है तो नॉन केराटिनाइज्ड. ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस दो तरह का है. स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एग्जिस्ट इन बोथ केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड फॉर्म्स. इन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम क्या होता है, द एपिकल लेयर एंड सेवरल लेयर्स डीप टू इट are partially dehydrated and contain keratin. Keratin is a protein, tough, fibrous protein that helps to protect the skin and underlying tissues from heat, microbes and chemicals. Keratin protein hum digest nahi kar sakte. Hamare baalon mein bhi keratin hai, nakhunon mein bhi keratin hai. Humans cannot digest keratin. There are many animals which can digest keratin, jo ki hair, horn, hoof, nail, scale, sab kha jate. Reptiles hai, सांप है जैसे, स्नेक्स, दे स्वेलो देयर फूड, दे डू नॉट च्यू देयर फूड. कोई भी एनिमल जो पूरा फूड स्वेलो कर रहा है, इसका मतलब वो उसकी हर चीज डाइजेस्ट कर सकता है, राइट. इवन द क्रोकोडाइल्स आल्सो, दे स्वेलो देयर मील, राइट. क्लियर, आगे बढ़े. नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम विच इज फाउंड फॉर एग्जाम्पल लाइनिंग द माउथ, माउथ में है, इसोफेगस में है, इट डज नॉट कंटेन केराटिन, राइट. इसमें ऑर्गेनेलिज रिमेन इन द एपिथेलियम, और दोनों तरह के एपिथेलियम जो है एक तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे हैं आपका. क्लियर है जी, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड सब लोगों को. केराटिन कैनॉट बी डाइजेस्ट बाय ह्यूमंस, यस प्रज्ञा, मैंने बताया यू कैनॉट डाइजेस्ट केराटिन. क्लॉज, हॉर्न्स, हूव्स, समीक्षा कह रही है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इन सब में केराटिन प्रोटीन है और बहुत से जानवर ऐसे हैं जो केराटिन डाइजेस्ट कर सकते हैं और बहुत से केराटिन डाइजेस्ट नहीं भी कर सकते. जैसे आप अपने बाल अगर खा लें तो आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल. आप देख रहे हैं कि क्यूबॉइडल सेल्स हैं और मल्टीलेयर्ड हैं, तो हमने कह दिया स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल. इट इज अ रेयर टाइप ऑफ एपिथीलियम, कम जगहों पर होता है. देख लेते हैं, इट इज फेयरली रेयर टाइप ऑफ एपिथीलियम इन विच सेल्स इन द एपिकल लेयर आर क्यूबॉइडल. Stratified cuboidal epithelium mainly serves a protective function, but it also has a limited role in secretion and absorption. Where it is found? In the ducts of adult sweat glands and esophageal glands and in certain parts of the male urethra. Stratified cuboidal rare type है, ध्यान रखना है, बहुत कम जगहों पे है. ऐसे ही हम देखेंगे stratified columnar भी rare type है, वो भी selected जगहों पर ही होता है. I am happy,
156 people they are watching. 7 बजने वाले हैं, फिर भी आप पूरी डेडिकेशन के साथ अपने स्क्रीन के सामने बैठे हैं. That's really good. यही जज्बा है, यही पैशन है कि इसी तरह से आप आगे जुड़े रहिए. नेक्स्ट देख रहे हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर. बस इट्स अबाउट टू बी ओवर, खत्म होने वाला है और 2-3 मिनट की बात है. स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर में देखिए, राइट, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं. ये एक रेयर तरह का एपिथेलियम है. लाइक स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, द स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलियम ऑल्सो इज अनकॉमन. यूजली द बेसल लेयर कंसिस्ट ऑफ, जो बेस वाली लेयर है, दैट कंसिस्ट ऑफ शॉर्टन्ड इररेगुलरली शेप्ड सेल्स. ओनली द एपिकल लेयर हैज सेल्स दैट आर कॉलमिनर इन शेप, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. ऊपर में कॉलमिनर है, नीचे वाले उसी के दबाव से साइज जो है उनका छोटा हो जाएगा और वो इररेगुलर हो जाएंगे. दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम फंक्शंस इन प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन. इट इज फाउंड इन सर्टन पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा, लार्ज एक्सक्रीटरी डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स सच एज ईसोफेजियल ग्लैंड्स, स्मॉल एरियाज इन द एनल म्यूकोसा एंड कॉन्जंक्टिवा ऑफ द आई. सो स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर का ये लोकेशन है. ठीक है जी, रेयर टाइप है एपिथेलियम, ध्यान रखना है. नेक्स्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये इंपॉर्टेंट है. मैंने शुरुआत में भी बता दिया था, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है ये यूरिनरी ट्रैक्ट में पाया जाता है. जैसे जैसे ब्लैडर में यूरिन फिल होता है, ब्लैडर की वॉल स्ट्रेच करती है, तो सेल्स जो है वो खिंचते हैं, वो अपनी शेप बदलते हैं. इसे यूरोथीलियम भी कह देते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट ओनली इन द यूरिनरी सिस्टम एंड हैज अ वेरिएबल अपीयरेंस इन इट्स रिलैक्स्ड और अनस्ट्रेच्ड स्टेट. इट लुक्स लाइक स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एक्सेप्ट दैट द सेल्स ऑन द एपिकल लेयर टेंड टू बी लार्ज एंड राउंडेड. एज द टिश्यू इज स्ट्रेच्ड इट्स सेल्स बिकम फ्लैटर गिविंग द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस. सो मतलब क्या है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट है, देखने में स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है. जब ब्लैडर में यूरिन भर जाता है, ब्लैडर की वॉल खिंचती है, तो ये सेल्स फ्लैट हो जाते हैं, तब हम इसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कह देते हैं. तो ट्रांजिट करा है ना, शेप बदली है ना, इसलिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहा. बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी ट्रांजिशनल एपिथीलियम इज आइडियल फॉर लाइनिंग द हॉलो स्ट्रक्चर्स दैट आर सब्जेक्टेड टू एक्सपेंशन फ्रॉम within such as the urinary bladder and we also call it urothelium. मैं लिख देता हूं यहां पे, urinary bladder में present है तो वहां पे हम इसे urothelium भी कहते हैं. Clear है? It allows the urinary bladder to stretch to hold a variable amount of fluid without rupturing. कि bladder की wall जो है वो खिंचेगी तो वहां पे ये एपिथीलियम प्रेजेंट है, ये रप्चर नहीं होगा. इज इट क्लियर? राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. राइट, नेक्स्ट एज यूजुअल आपको टाइम टेबल बताता हूं. हमेशा मैं क्लास 11th ग्रेड के लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम मिल रहे हैं. सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. एंड क्लास 12th के लिए फ्राइडेज सैटरडे एंड संडेज सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टाइमिंग्स 4, 5 एंड 6. क्लास के एंड में आपसे मैं फिर कहना चाहूंगा कि कल जब हम मिले आई रिक्वेस्ट यू कि जितना हमने एपिथेलियल टिश्यू आज पढ़ा है प्लीज प्लीज आप उसे जरूर रिवाइज करके आइएगा. अभी हमारा इसमें क्या बच गया है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बचा है जिसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड सेलुलर जंक्शंस आपको समझाऊंगा अलग अलग तरह के. और उसके साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी कल प्रैक्टिस करने वाले हैं और कोशिश करके मैं क्विक रिव्यू भी दे दूंगा आपको टोटल जितना एनिमल टिश्यूज अभी तक हम पढ़ चुके हैं. सो इसके साथ हम ये सेशन खत्म करते हैं. राइट, हाँ जी करें खत्म. राइट, सो आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए और लोगों तक ये वीडियोस जरूर फैलाते रहिए. चलिए बाय बाय, नमस्कार.